गोविंद राव राणा डे, जो कि ब्राह्मण जाति से ही आता था और ब्राह्मण जाति से आने के साथ साथ उसने जो डिसीजन दिया वो ब्राह्मणों के फेवर में ही दिया। लेकिन ज्योतिराव फुले जी अपनी जिद के पक्के थे और वो यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि वो उस मुकदमे को ले विचारों को जन जन तक पहुँचाने की, क्योंकि उनके विचार समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। उनके विचार इस देश में एकता, समानता और भाईचारे बंधुता के स्थापित करने को रोकने के लिए ज्योतिराव जी ने बहुत बड़े आंदोलन किए और लगातार उन आंदोलनों को गति देते रहे। और गति ही नहीं बल्कि उन्होंने अंग्रेजों से इसके खिलाफ शिक्षा ग्रहण कर दिया है, तो ये हिंदू धर्म शास्त्रों का घोर अपमान होगा। और इसी के जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत की भूमि भारत के महान पुरुषों की उपस्थिति से कभी भी अछूती नहीं रही, लेकिन विडंबना यह है कि इस देश में सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ताल्लुक रखने वाले महान पुरुषों को ही जाना गया और इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने भी उनको खूब जनाने का इस देश के लोगों से काम किया। लेकिन विडंबना यह है कि इस देश की सत्ता पर बैठे लोगों ने इस देश के ब्राह्मणवादी संत महान पुरुषों का तो सत्कार किया, लेकिन बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों की अनदेखी की और उसी अनदेखी के कारण इस देश के बहुत बड़े तबके को इन महान पुरुषों के बारे में आज भी नहीं पता है। साथ ही मैं बात करूंगी इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले, इस देश में पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले, इस देश में नारी शिक्षा को समानतावादी दृष्टिकोण से स्थापित करने वाले, इस देश में बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले, इस देश में सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले। जी हाँ साथियों, आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी की, जिनका जन्म साथियों महाराष्ट्र में 11 अप्रैल सन 1827 में माली परिवार में हुआ। उनकी माता जी के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनकी बुआ जी, जिनका नाम सगुनाबाई सीर सागर था, उन्होंने किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से लाड़ प्यार और दुलार के साथ में ज्योतिबा फूले जी का पालन पोषण किया और कभी भी उनको माता की कमी महसूस नहीं होने दी। ज्योतिबा जी को बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था और इसी शौक के कारण उनके पिताजी ने उनका दाखिला ऐसे तैसे करके अथक प्रयासों से स्कूल में करा दिया, लेकिन वहाँ पर पल रही ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्हें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि एक शूद्र समाज का बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। क्योंकि साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शास्त्र हैं वो कभी भी ये अनुमति नहीं देते कि एक शूद्र का बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, चाहे उसमें फिर लड़की हो या लड़का हो या फिर अन्य कोई भी हो। तो उस समय की व्यवस्था के खिलाफ जो ज्योतिबा फूले का संकल्प रहा शिक्षा लेने का, साथ ही वो बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल पाया, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के जो पिता थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने उनको कहा कि ज्योतिबा आप अपने बेटे को शिक्षा देकर आखिर क्या करेंगे, बल्कि वो ये कहने लगे कि अगर आप अपने बेटे को अंग्रेजी सिखाते हो या शिक्षा देते हो तो जो अंग्रेज लोग हैं वो इसको हिंदू ना रहकर बल्कि इसको ईसाई बना देंगे। और ये बात कहीं ना कहीं ज्योतिबा राव फूले जी के पिता के मन में बैठ गई और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोगों के बहकावे में आकर ज्योतिबा जी की शिक्षा छुड़वा दी। लेकिन साथियों, ज्योतिराव फूले जी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे और बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले थे, लेकिन उन्होंने मन मारते हुए उस समय शिक्षा तो छोड़ दी। लेकिन जब वो स्कूल में आते जाते बच्चों को देखते तो उन्हें बहुत पीड़ा होती और कई बार तो ऐसा हुआ कि ज्योतिराव जी फूट फूट कर रोने लगते और अपने पिता से आग्रह करते कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मेरा एडमिशन दोबारा से स्कूल में करा दीजिए। लेकिन उनके पिता कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रस्त थे और उन लोगों के साथ में रहते थे जो लगातार शूद्रों को शिक्षा देने के पक्षधर में नहीं थे, और यही कारण रहा कि ज्योतिबा फूले जी लगातार 3-4 साल तक अपने भाई और पिता के साथ में खेत में काम करते रहे। लेकिन साथ ही उनका जो शिक्षा के प्रति जो उनकी रुचि थी उसने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका और वो लगातार खेत में काम करने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करते रहे। ज्योतिबा राव के पड़ोस में दो शिक्षक रहते थे, वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे और बहुत ही जागरूक थे। जब उन्होंने ज्योतिबा जी के पिता से चर्चा की
कि आप अपने बेटे को शिक्षा क्यों नहीं देते, उसका स्कूल में दाखिला क्यों नहीं कराते, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि यह कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में हम शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से बताया कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है किस तरह से लगातार आपको कमजोर, अनपढ़ और पाखंडवाद में उलझा कर रखना चाहती है, और अगर आप शिक्षित होते हैं, आपके बच्चा शिक्षित होता है तो वो कल को आपसे सवाल खड़े करेगा, तो ये बातें कहीं ना कहीं ज्योतिराव के पिता के दिमाग में बैठी और इन बातों ने काफी उनके दिमाग में खलबली पैदा की और काफी चिंतन मनन करके उन्होंने और फिर से ज्योतिबा राव जी का दाखिला स्कूल में करा दिया और इसी तरह दोबारा से शुरू हुई ज्योति राव जी की शिक्षा। जब ज्योति राव कक्षा में प्रथम आते तो उनके पिता को बहुत खुशी होती और बड़ा गर्व महसूस होता उन्हें अपने बेटे पर कि मेरा बेटा तो बहुत ही होनहार है। ज्योति राव के जमाने में विवाह कम उम्र में कर दिए जाते थे और इसी कारण ज्योति राव का विवाह 13 वर्ष की उम्र में नाय गाँव के खंडू पटेल की बेटी से तय हुआ, जिसका नाम सावित्री बाई था। विवाह के बाद एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ खेतों के काम की जिम्मेदारी भी ज्योति राव जी के कंधों पर आन पड़ी और इस समय उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई के बीच में सामंजस्य बिठाया। कहने में बड़ा आसान लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ में काम करना, लेकिन उस समय ये काम बहुत ही कठिन था क्योंकि उनकी उम्र इतनी थी भी नहीं। लेकिन कम उम्र होने के बाद भी ज्योति राव जी बहुत ही कर्मठ, मेहनती, लगनशील व्यक्ति थे और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। और इसी के साथ साथ जब समाज में घट रही परंपराओं को वो देखते, समाज में जिस तरह से पाखंडवाद, रूढ़िवाद फैला हुआ था, उसके खिलाफ भी ज्योति राव जी ने पुरजोर विरोध किया। साथ ही यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। ज्योति राव का एक मित्र था जो कि ब्राह्मण था और जब उसका विवाह था तो उसने निमंत्रण दिया ज्योति राव को अपने विवाह में सम्मिलित होने का। जब ज्योति राव उसके विवाह में उपस्थित हुए और जब बारात चढ़ रही थी तो ज्योति राव फुले जी आगे आगे चल रहे थे, लेकिन ये चीजें देख कर जो ब्राह्मणवादी लोग थे उनके तन बदन में आग दौड़ गई और उन्होंने तुरंत कानाफूसी करते हुए ये कहा कि ये दलित, ये अछूत, ये माली समाज का लड़का हमारी ब्राह्मणों की शादी में आगे आगे सीना तान कर ऐसे चल रहा है जैसे ये हमसे कितना ऊपर है। और जब ज्योतिबा राव के कान में ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाते हुए तुरंत उस बारात से निकलकर अपने घर लौट आए और उन्होंने कोसना किया उस जाति व्यवस्था को, जिस जाति व्यवस्था ने इंसान को इंसान ना समझकर बल्कि उसको अछूत, नीच और न जाने कितनी जातियों में बांट रखा था। लेकिन विडंबना देखी कि जो उनके प्रिय मित्र थे, जो उनके साथ में इतनी सहानुभूति रखते थे, इतना प्यार रखते थे, उन्होंने भी एक बार ज्योतिबा राव को रोकने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि साथ ही वो भी कहीं ना कहीं उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे जिस व्यवस्था को वो झेल रहे थे और इसी कारण उन्होंने अपने मित्र को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। तो इस घटना ने साथियों ज्योति राव के मन मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव डाला और इसी के मार्फत उन्होंने पाखंडवाद, रूढ़िवाद और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उस समय जो आंदोलन खड़ा किया वो आंदोलन बहुत चरम सीमा पर पहुंचा और उसमें बहुत ज्यादातर उन्हें सफलता भी मिली। वो खेत में काम कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद वहां पर सावित्री बाई पहुंची और उन्हीं के साथ में जो ज्योतिराव जी की बुआ थी वो पहुंची। साथियों जब उन्होंने खाने को खोला तो बहुत ही खुश हुए क्योंकि उस दिन ज्योतिराव जी का जन्मदिन भी था और उनके जन्मदिन के उपलक्ष में उनकी बुआ जी ने और सावित्री बाई जी ने पकवान बनाए थे। और खाना खाने के बाद में धीरे साई ने ज्योतिराव जी के आगे एक पुस्तक सरकाई और उन्होंने कहा, देखिए ये पुस्तक है, मैं इसके चित्र देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसके शब्द अक्षरों के ज्ञान से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे शिक्षित करें ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और मैं पढ़कर और भी लड़कियों को पढ़ा सकूँ। तो साथियों इस तरह की इच्छा माता सावित्री बाई फूले की देखकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को बड़ा ही गर्व महसूस हुआ और उन्हें बहुत खुशी हुई कि सावित्री बाई शिक्षा ग्रहण करना चाहती है और इसी के साथ साथ उनका जो प्रयास था वो आगे बढ़ता रहा और उन्होंने माता सावित्री बाई फूले को शिक्षित किया और शिक्षित करने के साथ साथ उनका जो घर का आंगन था वो बहुत बड़ा था, वहां पर उन्होंने समाज की बहन बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले रही क्योंकि अपने जीवन में महिलाओं को शिक्षा देने का काम और शिक्षा ग्रहण करने का काम माता सावित्री बाई फूले ने किया। लेकिन ये चीज ब्राह्मणों को रास नहीं आ रही थी क्योंकि ब्राह्मण लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करके वो अन्य महिलाओं को शिक्षित करे। अगर महिला शिक्षा ग्रहण करती है तो ये हिंदू धर्म शास्त्रों का घोर अपमान होगा। और इसी के मार्फत उन्होंने फिर से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के पिता को भड़काना शुरू कर दिया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले फिर से अपने पुत्र और पुत्र वधू पर क्रोधित हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने
उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले के जो जज्बे थे वो रुकने वाले नहीं थे। लगातार उन्होंने अथक प्रयास किया और उन्होंने बहुत जगह किराए पर मकान लेने का प्रयास किया, लेकिन विद्यालय के लिए उन्हें कहीं भी कोई जगह किराए पर नहीं मिली। लेकिन उस समय एक और एक ऐसी महिला निकल कर आती है जिसने उस समय की जो परंपरा थी उनके खिलाफ खड़ी हुई। उनका नाम था फातिमा शेख। जी हाँ साथियों, फातिमा शेख ही वो महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले को अपना मकान दिया और उस मकान में उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। इसी के साथ साथ साथियों कारवा बढ़ता रहा और सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख के साथ मिलकर ज्योतिबा फुले जी आगे बढ़ते रहे और लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लोहा मनवाते रहे। उनके इन कामों को देखकर लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के बीच में खलबली मच गई और लगातार आए दिन कानाफूसी होने लगी कि ये तो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहा है। लेकिन साथियों, सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले इन चीजों से घबराने वाले नहीं थे और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने देश में पल रही उस व्यवस्था के खिलाफ भी पाखंडवादी लोगों से लोहा लेने का काम किया। जिस समय छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, जिसे उस समय बाल विवाह के नाम से जाना जाता था, अगर बचपन में किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को पूरी उम्र विधवा के रूप में जीवन यापन करना पड़ता था और उसको तरह तरह के ताने समाज के झेलने पड़ते थे। इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए और इन पर चिंतन मनन करते हुए और बाल विवाह को रोकने के लिए ज्योतिराव जी ने बहुत बड़े आंदोलन किए और लगातार उन आंदोलनों को गति देते रहे। और गति ही नहीं बल्कि उन्होंने अंग्रेजों से इसके खिलाफ कानून भी बनवा लिए। और इतना ही नहीं साथियों, मैं आपको एक घटना से और रूबरू कराना चाहूंगी। बात है काशी बाई की। काशी बाई ब्राह्मण समाज की एक महिला थी। बचपन में उसका पति मर जाता है तो उसी के घर वाले और आस पड़ोस के लोग उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वो महिला गर्भवती हो जाती है। और फिर जब उनको पता चलता है कि ये महिला गर्भवती है तो वो उसको घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। और जब वो महिला समाज के तानों से परेशान हो जाती है तो वो निर्णय लेती है आत्महत्या का। और वह पुणे शहर में मुठा नामक नदी के किनारे जाती है और जब वह उसमें छलांग लगाने वाली होती है तो ज्योतिराव फूले वहां पर भ्रमण कर रहे थे नदी के किनारे। एकदम उनकी नजर अचानक से उस महिला पर पड़ी और वो दौड़ कर गए। उन्होंने उस महिला का हाथ पकड़कर खींच लिया और उससे पूछा कि आखिर आप ये आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। और जब उस महिला ने बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने आप बीती सारी ज्योतिराव फूले जी को बता डाली। और जब ज्योतिराव फूले जी उस महिला को, जिसका नाम काशी बाई था, उसको घर लेकर आए तो माता सावित्री बाई फुले ने उस महिला का स्वागत किया और उसको घर में शरण दी। और शरण ही नहीं दी बल्कि उसकी प्रसूति भी अपने घर में ही कराई। जो काशी बाई का बेटा हुआ उसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले ने अपना नाम दिया और उस बच्चे को उन्होंने गोद लिया, जिसका नाम यशवंत रखा। और उन्होंने उस बच्चे की परवरिश उसी तरह से की जिस तरह से कोई माता पिता अपने बच्चे की करता है। उसका नाम जो यशवंत था, वो यशवंत भी साथियों आने वाले समय में नाम के अनुसार चरितार्थ हुआ। उसके अंदर जो संस्कार, जो गुण थे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की ही तरह थे। और वही यशवंत बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के साथ साथ उसने भी अपने माता पिता की तरह लोगों की सेवा करना शुरू कर दी। और साथियों इसी तरह से और भी घटनाएं हैं ज्योतिराव फुले जी के जीवन को लेकर। साथियों में एक घटना का यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जिस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था पनप रही थी और उस समय ज्योतिराव फूले जी जो कि विवाह होते थे और विवाह में जितने भी संस्कार होते थे, या जन्म संस्कार हो या मृत्यु संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, उसमें जितने भी संस्कार कराए जाते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते थे और जो दान दक्षिणा दी जाती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। लेकिन ज्योतिराव फूले जी को यह बात गवारा नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई एक ब्राह्मण लूट कर ले जाए तो ये कोई उचित बात नहीं। और इसी के मार्फत उन्होंने इसके खिलाफ भी आंदोलन खोला। और जब उन्होंने अपने एक मित्र जो कि नाई जाति से संबंधित था उसका विवाह खुद कराया और ब्राह्मणों का पूरी तरह से उस विवाह में बहिष्कार किया और जितने भी संस्कार होने थे वो स्वयं ज्योतिराव ने कराए। और ये बात साथियों ब्राह्मणों को बहुत बुरी लगी, और बुरी ही नहीं लगी बल्कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर ज्योतिराव फूले के ऊपर मुकदमा डाल दिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फूले के खिलाफ मुकदमा डाला था, जब मुकदमे की पैरवी हुई तब जज ने पूछा कि आखिर क्या बात है, तब ब्राह्मणों ने अपने तरीके से बताया कि साहब जो भी ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार होते हैं, जो उसमें दान दक्षिणा मिलती है वो ब्राह्मणों की होनी चाहिए, लेकिन ज्योतिराव फूले ने वो दक्षिणा खुद रखते हैं या फिर समाज से लेते नहीं है। इस तरह से तो ये हमारे पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं, हमारे रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं।
साथियों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, उस समय जो जज था उसका नाम था गोविंद राव राणा डे, जो कि ब्राह्मण जाति से ही आता था और ब्राह्मण जाति से आने के साथ साथ उसने जो डिसीजन दिया वो ब्राह्मणों के फेवर में ही दिया। लेकिन ज्योतिराव फूले जी अपनी जिद के पक्के थे और वो यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि वो उस मुकदमे को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। और जब हाई कोर्ट में इस मुकदमे की पेशगी हुई, फिर दोबारा से वही सवाल खड़े हुए कि आखिर क्या बात है। तो जब ज्योतिराव फूले ने जो ब्राह्मण लोग थे उनके वकील से सवाल किए, तो उन्होंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो ज्योतिराव जी कहते हैं साहब मुझे ये बताइए क्या अपनी शेविंग आप खुद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ खुद करता हूं। क्या आप अपने घर के कपड़े खुद धोते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ खुद धोता हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी शेविंग खुद करते हैं और आपके घर के कपड़े आपके घर पर ही धुलते हैं, तो क्या जो शेविंग आप करते हैं उसका पैसा आप नाई को देते हैं, या जो कपड़े आपके घर में धुलते हैं वो धुलाई आप धोबी को देते हैं। तो वकील ने कहा नहीं। साथियों वकील का सिर्फ इतना ही कहना था और इतने कहते ही जज ने डिसीजन दिया नो वर्क नो पे, और इसी के आधार पर जो डिसीजन था वो ज्योतिराव फूले के फेवर में आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बुद्धिजीवी कितने तर्कवादी ज्योतिराव फूले थे, और हमें सीख लेने चाहिए ऐसे महान पुरुषों से और हमें गर्व होना चाहिए ऐसे महान पुरुषों पर। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी इस देश की सत्ता पर बैठे हुए मनुवादी विचारधारा के लोग ऐसे महान पुरुषों से रूबरू कराने का इस देश के लोगों को काम नहीं करते। साथियों उनके जीवन से जुड़ी हुई मैं एक घटना और यहाँ पर आपके सामने साझा करना चाहूंगी। साथियों बात उस समय की है जब माता सावित्री बाई फूले को, साथियों बात उस समय की है जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के पिता बहुत बीमार चल रहे थे और कहीं ना कहीं वो इतने कमजोर हो चुके थे, और उनकी जो इच्छा थी अपने बेटे से और अपने पुत्र वधू से मिलने की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पता चला तो वो तुरंत घर दौड़े आए, और जब वो आए तो उन्होंने कहा ज्योतिबा अब मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ और मेरे जीवन का अंत भी नजदीक आता जा रहा है, ऐसा करो कि आप दूसरा विवाह कर लो। उस समय ज्योतिराव जी ने जो उत्तर दिया वास्तव में बहुत ही चौंकाने वाला उत्तर था, और मैं ये कहूंगी कि आज भी कोई आधुनिक पुरुष इस तरह के उत्तर नहीं दे सकता। जब ज्योतिराव के पिता ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और उससे जो बच्चा होगा उसको देखकर मेरा जितना बाकी जीवन है वो भी कट जाएगा, तो ज्योतिराव इस बात की चिंता करते हुए स्पष्ट कहते हैं हो सकता है पिताजी मुझ में ही कोई कमी हो, क्यों ना हम सावित्री का विवाह दोबारा करा दे और उसके लिए पति ले आए और उससे जो बच्चा हो उसको खिलाकर आप अपना बाकी का जीवन यापन कर लीजिए। ये बात सुनकर उनके पिताजी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे साथी वो बहुत ही समानतावादी दृष्टिकोण के थे और बहुत ही महिलाओं के पक्षधर थे, क्योंकि वो कभी भी महिलाओं के साथ में पक्षपात नहीं देख सकते थे और लगातार वो समानता की बात करते थे, समानता को स्थापित करने की बात करते थे। और इतना ही नहीं साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपना सामाजिक गुरु मानते थे। तो साथियों हमें सीख लेनी है ऐसे महान पुरुषों से और ऐसे महान पुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे महान पुरुष कहते हैं कि जिन विचारों का हम प्रचार नहीं करते वो विचार हमारे उस पेड़ की तरह सूख जाते हैं जिस पेड़ में ना तो खाद दिया जाता है और ना ही पानी दिया जाता है। तो आज जरूरत है इस बहुजन समाज को अपने महान पुरुषों पर गर्व करने की और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की, क्योंकि उनके विचार समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं, उनके विचार इस देश में एकता समानता और भाईचारे बंधुता के स्थापित करने की बात करते हैं। तो साथियों फिर से दोबारा से मैं एक बार समस्त देशवासियों को 194वीं जयंती पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने महान पुरुषों से अवगत कराएं, उनके विचारों से अवगत कराएं, ताकि आपके बच्चे सही दिशा में बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंच